हेलो जी जय श्री राम नारायण प्रणाम में तो नहीं आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं स्ट्रेंगे ब्लॉगर पर। तो भैया मैं सुबह रहा टाइम से वहाँ पहुँच ऊपर है डबल और मैं अभी पशुआ ने एक बार निराचल कर रही हूँ और बगीची पोटा पोटा सिरका रही हूँ क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कल था ना अगर हो सके तो मैं सुबह दिखा हूँ। मैं सुबह रहा रूटीन 4 बजे उठ मैं टाइम मेरे 5:00 के लगभग मैं नहावा धो करी हूँ सिर धोया हूँ और जोत पूजा करी हूँ तो सारा चापड़ बना देने ला रही बेबी। लास्ट में एक जना और रही बिलो बना ला रही और चाच डाड़िया बन ला रही है और मैं ले जी कुत्ता खाता रोटी और लासी गुण लगे तो बिने भी सवेरे सवेरे जिम में चले तो मैं आ गई हूँ बाहर और कुत्ता निकाल दूँ लासी और रोटी क्योंकि अभी सुबह पहले सारा ने चाह चाहिए तीन ने भी कुछ चाहिए खाने पीने और मेरे डांगर ला रहे रेड करने तो एक बार नीरा चारी करूँ कोई मिला मिल करूँ बुट्टो बुट्टो। तो भाई अभी है शाम का टाइम और मैं लाग रही हूँ क्यों एक पशुआर काम है कि बीच में और भी पहले मैं कणक उणक निकाली टंकी हूँ और बाद में साफ करने लगी तो बीच में पशुआर काम है कि छोटे मन बाहर जाना पड़ गया और अभी दोबारा मैं साफ करने लगी क्योंकि ओपन चली मैं और में कांकरो भट्ठो ज़्यादा है तो पशुआर बहुत चुगना पड़े तो वो कांकरो भट्ठे चुगर मैं साफ करना रही हूँ। बाकी पीस में तो समझो ये गई है भाई ओपने बाद में और कांकरो भट्ठे चुगे मैंने पीसना दूर हो ही है ये अगर कोई खेत में आएड़े हो तो कंपेन की कणक के साथ भी कांकरो भट्ठा आए जे सब मैं भाई साफ करना रही हूँ और पीस में मन दुबर में क्यों पड़ गया हफ्ता क्योंकि पिछली बार करे नहीं तो भी मैं आटो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया तो वो नहीं आटा की रोटी तो बहुत नरम है पर उस ना जिंदा परात गए बहुत ज़्यादा चिप जाए और आटा भी बहुत ज़्यादा चिप जाए उस ना जिंदा भी ज़्यादा ही नहीं हो गया मेदे जिसो भी बेसन वो आने चना हुआ आटो बीतो नहीं हो गया तो उस मैं और परात के चिपने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई इन वजह मैं दोबारा पीस नूँ आज भी थोड़ा मोटा पीस लिया तो बिंग मैं सागे मिला लिया तो दोनों मिक्स जीत बाद में आज खुश रही नहीं तो मैंने एक कई दिन पीसने करने की जरूरत ही बनी तो भी आप मिला अगली सूट में। तो भाई बारिश का मौसम है और आ वो भी कौन से कभी अपने जमींदारा घर में तेल न बड़ा और ऊपर शनिवार को दिन तो भाई शनिवार दिन की बात है अब वीडियो शनिवार की है तो बारिश आई भी नहीं है भाई सारा जने फरमाइश कर दी भी आज तो पकौड़ा बना लो कई दिन है मीठा का कम शौकीन है सभी और नमकीन का ज़्यादा शौकीन है तो नमकीन को सारा जना ही कह दही तो मीठा तो मैं ही बनाऊँ पर जिम में सारा ही होगा मैं सब नहीं अच्छा लाया जी मीठा भी तो भाई मैं गुलगुला आज मैं सोची भाई मैं ही ट्राई कर लूँ भाई जो सब्जी बनाना चमची हो कुर्ची से भी हूँ गेड़ गेड़ पर अच्छा भी हूँ कौन बने भाई जितना हाथ हूँ बना में अपने मैं नहीं बनाई जब बढ़िया बता भी हूँ कौन बना नहीं कई कई बनावा तो मैं सोची भाई आज मैं ही देखूँ भाई सारे जना बनावा कई लोग तो ये देखो हाथ में बनाया जिन्हें ये सारा गोल गोल सी बनिया और वे तो अंटका बंका लंबा तेजा खटके के नक्शा बन गया हवा तो सब दरिया नक्शा बना दिया भाई बनाए जिन्हें वो देखो एक चक्कर में पहली काट ली हो दो चक्कर काट लिए भाई हाँ एक तो जो कुर्सी हूँ गेड़ी पहली मैं वो गर्म तेल हो गई टेंक लिप लीजिए को और एक चक्कर बाद में निकाल ली कुर्सी डाली पता नहीं दिखाई वो और भी हाथ गेट बनाया ये देखो कत्ता बढ़िया बनाया और आज यार गुलगुलाएंगे थाने एक दिन स्पेशल वीडियो बनाऊँ गुलगुलाएंगे तो भी मैं थाने बताऊँ भैया देखो चिन्नी का गुलगुला है फिर भी कितना नरम और कितना मुलायम है आगे ये खास ट्रिक है तो भी बहुत बढ़िया आप नरम गुलगुला बना सका और वह ट्रिक मैं अबकी बार अपनाई जिन्हें मन वो देखो इन सही पता भी चल गया भी करम बनावा तो इन सही बढ़िया गुलगुला बन जाए और इन बिल्कुल नरम बनाए कोई भी बिना जाड़दा तर भी जीन्स का ही रंग इतना बढ़िया नरम गुलगुला बनाने का तरीको एक अलग ही है तो अब भी बनाऊँ मैं नमकीन मैं भाई पकौड़ा तो पकौड़ा में सिर्फ मैं है एक प्याज है तो मैं लच्छेदार से काट लिया मैं छल्लेदार से मैं एक एक परत अलग अलग कर ली गोल काटे देना और आलू ने मैं कर लिया कद्दूकस और आ सिर्फ पकौड़ा बनाऊँ मैं हरी मिर्च का लाल मिर्च बिल्कुल भी कौन डालू क्योंकि छोटी छोटी मिर्ची तो मैं चौकी काट ली हरी मिर्च तो यही डाली मैं सारी और कोई कुछ भी कौन डाली और आम भी अच्छा टेस्ट आए और मिर्च में भी बापो बात को नहीं भैया अच्छा टेस्ट को नहीं है
और बेसन तो आपने मैं कोई नाप तोल कुछ लियो को नहीं, सारा सामान ही रही है बिना नापा तो नहीं। 3-4 प्याज है, 2 आलू हैं, तो बस अंग हिसाब में बेसन मिला है, ज़्यादा बेसन भी नहीं है, रंग चिपक भी जाए तो ये सूखा भी न रहे भी। और अभी डाल लियो मैं जितनी ज़रूरत है अभी तक के साथ नमक, और नमक मेरे को कम ही पड़ा है, ज़्यादा बोल पड़ा नहीं। और डालिए पेसड़ दाना और साबुत दाना, साबुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आया पकौड़ा में, तो साबुत दाना में चोखो डाल लियो भाई, और कोई गरम मसाला वगैरह कुछ भी कौन डालने, बिल्कुल सीधा सिंपल पकौड़ा बनाया। फिर भी बारिश के मौसम में आप कैसा ही बना लेना भाई, अच्छा लग जाए, चाहे सिंपल बना चो भी चाहे भी मसालेदार बना दो, पर मसालेदार अभी काम का कौन इतना कोई, और जितना मसाला आप घर रखा भी कौन बेफालतू का भाई, क्योंकि आप एक डब्बो लियार मिल जाए 100 ग्राम कम मसाले का डब्बो आया कौन वो खराब जे पड़े पड़े तो के फायदे, एक आधी बारी बनाओ आप और चौमासा मौसम में खराब है भी नहीं रहा भी कौन कोई चीज़। तो ये देखो भाई थाना पींच दिखाऊँ बिल्कुल नरम गुलूल अपने बिल्कुल नरम गुल जैसा देख लो तरह आ तो पींच पता भी चल दो ना, तो हम एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ बटर की थाना बताऊँगी भी चिन्नी का गुलूल इतना नरम बना उसको, तो भी बारिश के मौसम में सबकी घर में ऐसा ही रहा भी नमकीन मीठा बनाने, तो भाई शनिवार को दिन उस दिन में तेल भी बढ़ ली, तो बारिश का मौसम में बड़े बिना रहे भी कौन भी घर में कुछ चीज़ तेल वाली बिना व्यापार रही कौन सा नहीं। और बाद में पकौड़ा पकौड़ा बना बाद में निकाल ली मैं पूरी लास्ट में थोड़ी सी, अभी रखकर अलग अलग ये देखो कत्ता बढ़िया बने करारा करारा सी, गुलगुला बिल्कुल नरम और पकौड़ा बिल्कुल करारा सी, तो दोनों ही चीज़ बढ़िया बने हुई। तो मैं काटना रही बाल्टी में भाई और बर्तन में तापर रखा मैं, तो पिंजरा में रखना जितना बाल्टी आरामदार ही रखी जे, बाल्टी में सारी चीज़ें कटिया आ भी जाए। तो पहले तो मेरी सलाह भी गैस के चूल्हे पर बनाऊँ, पर बाद में मैं गैस और चूल्हे पर खोलना है, बारिश आया ठमरी तो मैं बना लिया बाहर चूल्हे पर, और देखो भाई मौसम तो दोबारा भी बने रहो ठंडा ठंडा, बादल वाई भी रही रही और धुंधला कुपन सी रही शाम को दिन छिपा हो जाना, मैं अभी बारिश की तो मैं लेनी भूल गई और भी ये कुछ बनाने लग गई, तो मैं इस भी थोड़ी सी बारिश आ रही है मौसम और क्लिप भी दिखा दूँगा ना। अब की बारिश तो नरमा पानी रुकियो को नहीं, 5-7 गया मैंने बारिश ही ज़्यादा को नहीं थी, तो भी आज एक बाद में थोड़ी सी देखो जुड़मुड़ी भी पड़ गई अंधेरा से पड़ दो सी, क्योंकि आंगन रसोई में अंधेरा थोड़ी जल्दी पड़ जाए। तो भी आज की वीडियो थाना अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिला आप अगली वीडियो में, तब तक रहिए सारा राम राम।